हर महीने लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, उसके बारे में आपको क्या पता है? ताकि लोग पढ़ सकें इस क्लास में, पीरियड्स इसलिए होते हैं। ऐसा ऐसा सवाल मत पूछो। क्यों में से जो गलत चीज होती है, मतलब जो उनके अंदर उत्पन्न होती है, वो बाहर निकलती है। क्या है? हगीस, बच्चों के लिए थैली जैसा होता है जिसमें ब्लड इकट्ठा होता है। पक्का थैली? हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। देखा जाए तो वो ब्लड नहीं है मैडम, क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति है एक लड़की के लिए। सुना रहा है, बीमारी का नाम तो सुना है, शायद बीमारी है महामारी की। ये है पीरियड्स को लेकर लड़कों की सोच। अब जानते हैं लड़कियों की क्या सोच है। जनवरी 2016, एक 20 साल की लड़की ने खुद को पंखे से लटकाकर अपनी जान दे दी, और वजह अनबेरेबल पीरियड क्रैम्प्स। इनफैक्ट ये कोई इक्के दुक्के केसेस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस दशकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया के सबसे प्रेस्टीजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स ने 2009 में ऐसी 56 औरतों का एक पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जो सुइसाइड से मरी थी, और उन्हें ऐसी औरतों के लाशों से कंपेयर किया जो अन्य वजहों से मरी थी। एंड यू नो उनकी स्टडी में क्या सामने आया? एक तरफ जहां पर अन्य वजहों से मरने वाली औरतों में से सिर्फ 4.5% औरतें पीरियड्स में मरी थी, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट सुइसाइड से मरने वाली औरतों में से लिटरली 25% औरतें सुइसाइड कमिट करते वक्त पीरियड्स में थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीरियड्स सच में इतने दर्दनाक होते हैं कि एक लड़की को सुइसाइड जैसा एक बड़ा कदम भी आसान लगने लगता है? और अगर हाँ, तो इसके बारे में खुलेआम बात नहीं करना और कान में बस फुसफुस आना क्या सही है? बिसाइड्स, पृथ्वी पर टोटल 6,399 मैमल्स की प्रजातियां हैं, यानी वो जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, जस्ट लाइक अस ह्यूमंस। लेकिन हमारे अलावा इनमें से सिर्फ 4 तरह के मैमल्स, जो कि बैट, स्पाइनी माइस, एलिफेंट श्रू और प्राइमेट्स हैं, जिनमें ही सिर्फ ऐसे दर्दनाक पीरियड्स देखे जाते हैं जो कि पेनफुल होते हैं। So, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन से वाकिफ हो, तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि प्रजातियां अपने वही ट्रेट्स को आगे के जनरेशंस में पास करती है जो उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज देता है। सो आखिर कैसे और क्यों पीरियड्स, जो कि एक फीमेल को हर महीने एटलीस्ट 5 से 6 दिनों के लिए कमजोर कर देता है, एक ऐसा ट्रेड जिससे एक फीमेल पर शिकार बनने का खतरा 2400 घंटे मंडराने लगता है, जिससे वो वल्नरेबल हो जाती है, ऐसा भारी डिसएडवांटेज देने वाला ट्रेड आखिर इतने सालों तक बरकरार कैसे रहा, और ये ट्रेड फीमेल्स में आया ही क्यों ऑन द फर्स्ट प्लेस? और साथ ही में जब हम इस दिशा में रिसर्च कर रहे थे, तब हमारे सामने ये चीज आई कि 4 से 5 तरह के मैमल्स में से भी जो इंसानी प्रजाति है ना, उसमें हाल फिलहाल में पीरियड से जुड़ा एक और एक विचित्र फिनोमेनन देखने को मिला है। हमें पता चला कि दुनिया के 26% लड़के भी रेगुलरली पीरियड्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और उन्हें कॉमनली मैन पीरियड्स कहा जाता है। अनबिलीवेबल, राइट? डिड यू नो दैट थिंग बिफोर? अब फीमेल्स में तो इसका एक पर्पस समझ में भी आता है, पर मेल्स में इसका क्या पर्पस हो सकता है भाई? वेल, ये और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम काफी विस्तार से, बट एट द सेम टाइम एक काफी आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो के जरिए। मेरा बस यही मकसद है कि हम पीरियड से जुड़ी मिस इन्फॉर्मेशन और अंधविश्वास के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से मिटा दें, सभी मिथ्स और टैबूस को हम वंस एंड फॉर ऑल जड़ से उखाड़ कर फेंक डालें, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली। अब एक काम करते हैं, पीरियड्स के ना एकदम क्रक्स से ही शुरुआत करते हैं कि पीरियड्स एग्जैक्टली क्या है और ये हर महीने क्यों आता है। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले, यू नो व्हाट, मेरे पास सारे IIT, JEE और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक अमेजिंग न्यूज है। 7th अप्रैल को इस साल का द बिगेस्ट इवेंट फॉर JEE और नीट अनअकैडमी आरंभ 2024 होने वाला है, जिसमें अनअकैडमी 4 ऐसे बड़े सरप्राइजेस रिवील करने वाला है, जिसके बाद आप जिस तरह से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो ना, वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। और इस इवेंट में आप टॉपर्स से मिल सकते हो, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, जिनकी जर्नी बिल्कुल आपके जैसे ही है, लेकिन आज वो इंडिया में टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल्सो ये इवेंट काफी एंटरटेनिंग भी होगा, क्योंकि बॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज जैसे कार्तिक आर्यन, करण जौहर, टेनिस आइकन सानिया मिर्जा और बिजनेस लीडर अनुपम मित्तल भी ये इवेंट करने वाले हैं। आपके फेवरेट एडुकेटर्स भी यहाँ पर होंगे। इनफैक्ट मैं खुद भी पर्सनली ये इवेंट अटेंड करने वाला हूँ, और यहाँ पे एक सरप्राइज अनअकैडमी ने प्लान करके रखा हुआ है, जो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विथ यू। और इसीलिए सभी स्टूडेंट्स और स्पेशली IIT, JEE और नीट एस्पिरेंट्स को तो ये इवेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप 7th अप्रैल को 1 से 3 बजे के बीच में अपने घर में ही बैठकर इस इवेंट को लाइव देख सकते हो अनअकैडमी स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल पर। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इस पर मेरा एक व्लॉग भी आएगा बहुत ही जल्द। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। सो देखो, फीमेल्स में ना 28 डेज का एक साइकिल चलता है, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने ये शब्द सुना होगा, इसे आप इस इमेज से आसानी से समझ सकते हो।
इसमें डे 6 से स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान फीमेल बॉडी में FSH जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे उसके एक ओवरी में एग मैच्योर होने लगता है ताकि 14th डे तक उसे ओवरी से बाहर रिलीज यानी कि ओव्यूलेट किया जा सके। अब 14th डे पर जब एग बाहर निकल जाता है और यहां पर इस जगह स्पर्म के आने का वेट करता है, तब फीमेल बॉडी में FSH और LH के बजाय अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स पीक करने लगते हैं, जिससे फीमेल के यूटरस यानी कि वो बैग जिसमें एक फीमेल बेबी कंसीव करती है, उस बैग की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिकन होने लगती है। और थिकन होने का मतलब सिंपली उसमें सेल्स और ब्लड वेसल्स की तादाद बढ़ने लगना। अब ये बिल्कुल वही फेज होता है जहां पर डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि कपल्स को कंसीव करना चाहिए, उन्हें ट्राई करना चाहिए बच्चा पैदा करने का, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर डे 14 में फीमेल्स के ओवरीज से एक एग रिलीज होता है और अगर वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए और एक एम्ब्रियो बन जाए तो यूटरस अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करने लगता है ताकि वो एम्ब्रियो थिक यूटरस लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाए और उसे खून के जरिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब ऐसे में फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग कब और क्यों होती है? तो देखो, वो तब होता है जब 14th डे के आसपास फीमेल्स ट्राई नहीं करती कंसीव करने की और कोई स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज नहीं करता, बिकॉज इन दैट केस फिर डे 28 तक जो एंडोमेट्रियम कंटिन्यूअसली थिकन होते जा रहा है एम्ब्रियो को वेलकम करने के लिए, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती और इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल बॉडी में एकदम से डिक्रीज होने लग जाता है, जिससे फिर डे 1 से स्टार्ट होता है इस पूरे थिकन्ड एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग प्रोसेस, यानी वो फेज जिसमें एक फीमेल का शरीर ब्लड म्यूकस और उसके साथ अनफर्टिलाइज्ड एग भी शेड कर देता है थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। सो बायोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग बस यही है पीरियड्स, कोई बड़ा सा हवा नहीं। अब हमें ये मालूम है कि मैमल्स बाकी के स्पीशीज से अलग इसीलिए है क्योंकि मैमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं ना कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि बाकी के मैमल्स जिसके कैट्स और डॉग्स ह्यूमंस जैसे ब्लीड नहीं करते? एंड ऑल्सो ये एबिलिटी टू गिव बर्थ टू यंग वंस ये मैमल्स में सबसे पहले डिवेलप ही कैसे हुई? वेल, इन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें आज से 150 मिलियन साल पहले जाना होगा, जब पृथ्वी पर रेप्टाइल्स और सिनैप्सिड्स सिर्फ यही दो तरह के जीव ही पृथ्वी पर रेंगा करते थे। ये सिनैप्सिड दरअसल हम इंसानों के अंडे देने वाले पूर्वज थे, लेकिन फिर एक दिन इनमें से एक सिनैप्सिड के अंडे को एक वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया और ऐसे म्यूटेशंस क्रिएट किए जिससे एक नए टाइप के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जन्म हो गया, मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसने फर्स्ट एवोल्यूशन लाया उस जमाने के स्पीशीज का इनटू मैमल्स। वायरसेस यूजुअली क्या करते हैं, जैसे ही वो किसी भी जीव के सेल में एंटर करते हैं वो उस जीव के डीएनए में अपना डीएनए जोड़ देते हैं ताकि होस्ट सेल जब अपना डीएनए मल्टीप्लाई करे तब उसी के साथ वायरस का भी डीएनए साथ में मल्टीप्लाई हो। अब अपना डीएनए होस्ट सेल से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वायरस अपने डीएनए को लेकर होस्ट की बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन साथ में होस्ट के शरीर को एक मेजर बदलाव के साथ छोड़कर चला जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वायरस अपना डीएनए लेकर होस्ट के सेल से बाहर निकल रहा होता है तब वो अपने डीएनए के साथ होस्ट के डीएनए का भी एक छोटा सा पार्ट लेकर चला जाता है, जिस वजह से होस्ट का ही डीएनए परमानेंटली ऑल्टर हो जाता है और नतीजन उस जानवर में काफी स्ट्रक्चरल बदलाव आ जाते हैं जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। सो आज से 150 मिलियन सालों पहले भी जब एक वायरस ने एक सिनैप्सिड के एग को इन्फेक्ट किया था तो उस अंडे के डीएनए में भी कुछ ऐसे ही बदलाव आए जिस वजह से उस बच्चे में एक नया ऑर्गन डिवेलप हो गया, प्लेसेंटा। ये वही ऑर्गन है जो बच्चे के साथ डिवेलप होता है और पूरे 9 महीनों तक माँ के पेट में ही बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से अंडे देने वाले सिनैप्सिड्स में अचानक से एक ऐसा स्ट्रक्चर डिवेलप हो गया जिसके बाद से सिनैप्सिड्स को अंडे देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो अपने कोक में ही बच्चे को पालकर सीधा उन्हें जन्म दे सकते थे। लेकिन यहां पर भी अभी तक एक प्रॉब्लम थी, जब प्लेसेंटा डिवेलप हो रहा था तब 3 अलग टाइप के वेरिएशंस उसमें आए, 3 अलग टाइप के प्लेसेंटल स्ट्रक्चर्स डिवेलप हुए, लेकिन इनमें से जो प्लेसेंटा इंसानों में इवॉल्व हो रहा था वो एक काफी थिन लेयर्ड प्लेसेंटा था, जिसका एक मेजर ड्रॉबैक था क्योंकि इसके वॉल्स काफी पतले थे तो इस वजह से बच्चा माँ से न्यूट्रिएंट्स तो ले ही सकता था लेकिन उसी के साथ बच्चा माँ के शरीर में हॉर्मोन्स भी रिलीज कर पा रहा था
जिससे अब वो बच्चा माँ के बॉडी के फंक्शंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर पा रहा था। नाउ दिस वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। मिसाल के लिए ऐसे कई मेडिकल केस स्टडीज में ऑब्जर्व किया गया है कि एम्ब्रियो से रिलीज हुए हॉर्मोन्स माँ के बॉडी में इंसुलिन के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से देखा गया है कि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है, जो उनके ब्लड प्रेशर को प्रेगनेंसी के दौरान सीधा शूट कर देता है। डायबिटीज के अलावा भी प्रीक्लैम्पसिया हो सकता है, यानी अ सडन राइज इन ब्लड प्रेशर, एनीमिया, हार्ट डिजीजेस और लिवर फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियां तक प्रेग्नेंट औरतों में देखी गई है, जो उनके अपने ही फीटस ने इन्फ्लुएंस की थी। यानी क्लियरली प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने माँ की बॉडी खतरे में रहती है, जो कि डेफिनेटली ह्यूमन स्पीशीज में रिप्रोडक्शन के लिए एक मेजर ट्रेड ऑफ है। अब चलो एक बार मान भी लेते हैं कि ये इतना बड़ा ट्रेड ऑफ एक बार एक हेल्दी एम्ब्रियो के लिए सहा भी जा सकता है, लेकिन ऐसी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले सभी एम्ब्रियोज हेल्दी ही होंगे। इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन या फिर पुअर स्पर्म या एग की क्वालिटी की वजह से कुछ एम्ब्रियोज इम्प्रॉपरली डिवेलप भी तो होते हैं, और ऐसे में अगर फिर भी माँ के शरीर ने इस अनहेल्दी एम्ब्रियो को मैच्योर होने दिया तो यहाँ पर वो अपना टाइम, एनर्जी और अपने रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रही होगी, और साथ में 9 महीनों के लिए बीमारियों के लिए वल्नरेबल भी होगी। एंड नाउ होपफुली यू रियलाइज इट्स सच अ बिग ट्रेड ऑफ। सो ऐसे में क्या करें? वेल, एग्जैक्टली इसके सोल्यूशन के लिए ही इवॉल्व हुआ पीरियड्स का मैकेनिज्म। पीरियड्स ही वो किल स्विच है जो ऐसे तरह के प्रेगनेंसीज को समय रहते ही स्विच ऑफ कर देता है। पीरियड्स एक प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें वही एंडोमेट्रियम, जिसका मेन रोल है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वही अब एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है, ताकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर वो सिर्फ हेल्दी एम्ब्रियो को ही मेच्योर होने दे। और पीरियड्स एग्जैक्टली ये कैसे करता है? वेल, सिंपली बाय गिविंग इट अ चैलेंज। चैलेंज यही है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी एंडोमेट्रियम सिर्फ अराउंड 6 से 8 दिनों के लिए ही इंटैक्ट रहती है, ठीक रहती है। अगर इन्हीं 6 से 8 दिनों में वो एम्ब्रियो अपने आप को यूटरस में इम्प्लांट नहीं कर पाया तो माँ का शरीर उसे कमजोर मानकर उसे भी यूटरस के लाइनिंग के साथ पीरियड्स के जरिए ड्रेन आउट कर देगा। यानी एक तीर से स्ट्रेट 2 निशाने। पहला, बच्चा बाहरी वातावरण में सर्वाइव कर पाएगा, इसके ज्यादा चांसेस है, और दूसरा, एक माँ अनहेल्दी एम्ब्रियो के पीछे अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं करेगी। अब सवाल ये आता है कि अगर पीरियड्स वाकई में किल स्विच है जो खराब एम्ब्रियोस को इम्प्लांट होने के पहले ही उसे बाहर फेंक देता है, तो वो सिर्फ स्पाइनी माइस, बैट्स, एलिफेंट श्रू, प्राइमेट्स और ह्यूमंस, इन 4 या 5 मैमल्स में ही क्यों इवॉल्व हुआ? बाकी के बचे हुए मैमल्स, इसकी कैट्स, डॉग्स, हॉर्स, काउस में भी ये किल स्विच क्यों नहीं इवॉल्व हुआ? क्या उन्हें इस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है? वेल, वो इसीलिए क्योंकि रिमेम्बर मैंने पहले कहा था कि 3 टाइप के प्लेसेंटल स्ट्रक्चर्स, प्लेसेंटल वेरिएशंस इवॉल्व हुए थे, जिनमें से हम ह्यूमंस का प्लेसेंटा काफी थिन वॉल्ड का था, लेकिन वहीं पर इन मैमल्स का प्लेसेंटा हमारे प्लेसेंटा के मुकाबले ज्यादा थिक इवॉल्व हुआ था, और इसीलिए अनलाइक ह्यूमंस इनके एम्ब्रियोज माँ के हॉर्मोन्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से सबसीक्वेंटली इनमें से कुछ मैमल्स लाइक कैट्स और डॉग्स में एक अलग टाइप के ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का जन्म हो गया, जिसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। अब एक ईस्ट्रस साइकिल के पहले के 3 फेजेस ह्यूमंस के मेंस्ट्रुअल फेजेस की तरह ही सिमिलर होते हैं, बस सिर्फ ब्लीडिंग के फेज में यहाँ पर थोड़ा बदलाव आ जाता है। इस फेज में ईस्ट्रस साइकिल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटकर बॉडी में ही रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ताकि रिसोर्सेज वेस्ट। अब ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक पालतू कुत्ता है तो आपने नोटिस किया होगा कि डॉग्स भी ब्लीड करते हैं लाइक एवरी 6 मंथ्स, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होता, वो ब्लीडिंग होती है ईस्ट्रस साइकिल के फर्स्ट फेज, प्रो ईस्ट्रस फेज की, जब उनमें एग मैच्योर होने के प्रोसेस में होता है और एक रेड ब्लडी डिस्चार्ज बाहर निकलता है। ये यूजुअली मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, टू सिग्निफाई दैट द फीमेल इज रेडी टू रिप्रोड्यूस। अब कैट्स में ऑन द अदर हैंड उनके बॉडी हीट के वजह से ओव्यूलेशन या एग का रिलीज ट्रिगर होता है। फिर आते हैं गोट्स, शीप्स और पिग्स जैसे मैमल्स की, जिनमें मेल्स के फेरोमोन्स रिलीज करने की वजह से फीमेल्स ओव्यूलेट करती हैं। देन अगर बात करें चीतास की, जिनमें मेल्स के मेटिंग कॉल्स को सुनकर फीमेल्स ओव्यूलेट करने लगती है। एंड देन टाइगर्स जैसे मैमल्स को तो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स कहा जाता है, यानी उनमें एग तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक वो मेट नहीं करते। इनफैक्ट मेटिंग करने से ही एग रिलीज इंड्यूस होता है, और इसीलिए इन्हें इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस ईस्ट्रस साइकिल और हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे बड़ा डिफरेंस है ओव्यूलेशन के तरीके का। हम मेंस्ट्रुएटिंग मैमल्स में एग का रिलीज हर महीने या हर फिक्स इंटरवल में खुद से ही ट्रिगर होता है, जबकि बाकी के मैमल्स में उसको हीट या फेरोमोन्स या सीजन्स या मेटिंग ऐसे बाहरी चीजों से, एक्सटर्नल फैक्टर्स से ट्रिगर करना पड़ता है।
और तब जाकर ही फीमेल का एग रिलीज होता है, यानी कि एज इट इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और रही बात खराब एम्ब्रियोस को एलिमिनेट करने की, तो इन मैमल्स में ये प्रोसेस बच्चे पैदा होने के बाद होता है, क्योंकि ये मैमल्स एक ही समय पर 4 से 8 बच्चे पैदा करते हैं, जिनमें से ऑब्वियसली सबसे फिटेस्ट ही खुद सर्वाइव कर पाता है, और इसीलिए इन्हें हम ह्यूमंस जैसे एक इंटरनल किल स्विच की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट पीरियड्स इन अदर स्पीशीज, एक और एक फन फैक्ट है। क्या आप जानते हो कि करीब 26% मेल्स भी पीरियड्स को एक्सपीरियंस करते हैं? यस, मैन पीरियड्स, जिसे साइंटिफिकली इरिटेबल मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऑफ कोर्स मेन मेंस्ट्रुएट नहीं करते, लेकिन इस दौरान एक मेल काफी सिमिलर सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसे फटीग, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी, क्रैम्प्स वगैरह। और इसके पीछे मोस्टली रीजंस लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज ही होते हैं, जैसे स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डिस्टर्ब्ड स्लीप रूटीन एटसेट्रा, जिस वजह से उनके बॉडी में लड़कियों को जैसे पीरियड्स में हार्मोनल इंबैलेंस होता है, ठीक वैसा ही हार्मोनल इंबैलेंस मेल्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेकर। लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू फीमेल पीरियड्स। एवरी मंथ इस पूरे 28 डेज के साइकिल में एक लड़की की बॉडी काफी ज्यादा चेंजेस से गुजरती है, क्योंकि इस पूरे 28 डेज में उसके बॉडी में 4 अलग-अलग टाइप के हार्मोन्स का ड्रास्टिक राइज और फॉल होते रहता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है उसकी फिजिकल और उससे भी ज्यादा उसकी मेंटल, उसकी इमोशनल हेल्थ पर। अगेन शुरू करते हैं day 4 से day 6 तक, यानी कि मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद के एक दिन से। इस दौरान आप देख सकते हो एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, और फिर कुछ दिनों बाद एस्ट्रोजन, LH और FSH ये तीनों एकदम से पीक कर जाते हैं। फिर 12th से 16th डे के बीच अगेन इनकी क्वांटिटी एकदम से डिप कर जाती है, और तभी सडनली पीक करने लगता है प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद अगेन ड्यूरिंग पीरियड्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही एकदम से डिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होती है और पीरियड शुरू हो जाते हैं। अब इस पूरे साइकिल में प्रॉब्लम एग्जैक्टली यही सडन राइज और डिप्स है ऑफ मल्टीपल हार्मोन्स, क्योंकि इसके वजह से फीमेल बॉडी एक तरह से स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है लाइक कॉर्टिसोल। अब जिस हार्मोन का नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है, वो जाहिर सी बात है बॉडी में काफी नेगेटिव चेंजेस लेकर आता है, और ये यूजुअली तब क्रिएट होता है जब बॉडी को ऐसा महसूस होता है कि किसी तरह का हार्मोनल इंबैलेंस है, और पीरियड्स में एग्जैक्टली यही हो रहा होता है। सो अब इन पांचों हार्मोन्स के उतल फुतल की वजह से फील गुड हार्मोन्स जिसकी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन के लेवल्स भी फीमेल के बॉडी में सडनली डिक्रीज होने लगते हैं, especially before and during periods, जिससे again body में stress, anxiety और depression जैसे symptoms kick in हो जाते हैं, और यही emotional pain और भी ज्यादा amplify हो जाता है physical pain के साथ, क्योंकि periods के वक्त endometrium को shed करने के लिए भी uterine walls भी constantly contract होते रहते हैं, जिस वजह से उनके आसपास में मौजूद ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूटरस के वॉल्स में ब्लड सप्लाई भी काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिस वजह से सिवियर क्रैम्प्स डेवलप होने लगते हैं। इन सारे सिम्टम्स को कलेक्टिवली PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि एक काफी कॉमन डिसऑर्डर है जिससे 75% लड़कियां सफर करती है। इसमें पीरियड्स के पहले और उसके दौरान ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एक्नी, क्रैम्पिंग, बॉडी एक्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, और किसी को यहां पर माइल्ड तो किसी को बहुत ही ज्यादा सीवियर। एक और एक काफी सीरियस कंडीशन है जिसे कहते हैं PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो कि एक सडन हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाला एक इमोशनल मूड डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में तो पीरियड्स सीवियर डिप्रेशन तक ट्रिगर कर सकता है, लीडिंग टू सुइसाइडल थॉट्स टू। यस, एक सर्वे में यह पाया गया जो औरतें पीएमडीडी से सफर कर रही है उसमें से 70% औरतों को सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, 50% सेल्फ हार्म तक करते हैं, और हर 3 में से एक लड़की एक ना एक बार सुइसाइड अटेम्प्ट भी करती है। मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी ये बताया था, एम्स की एक रिसर्च में ये सामने आया कि सुइसाइड से मरने वाली औरतों में वोपिंग 25% औरतें सुइसाइड कमिट करते वक्त पीरियड्स में थी। नाउ 25% इज अ ह्यूज नंबर, यानी हर 4 में से एक लड़की। एंड अब तक तो हमने टोटली सिर्फ नॉर्मल केसेस की बात की है, उन लड़कियों का क्या जिनका ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज का एक हिस्ट्री रहा है, जो लड़कियां स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन प्रोन है। अब पीरियड्स के दौरान एक और एक डिसऑर्डर काफी कॉमन है जिसे कहते हैं PME यानी प्री मेंस्ट्रुअल एक्सेसरबेशन। ये डिसऑर्डर बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर्स को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, एक्सेसरबेट कर देता है, कॉजिंग सीरियस इश्यूज लाइक पैनिक अटैक्स एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स एज वेल। लेकिन अब जरा सोचो, अगर एक लड़की इतने सिवियर प्रॉब्लम से डील कर रही है
तो क्या ये प्रॉब्लम ऐसी है कि वो किसी और के साथ डिस्कस भी कर सकती है? क्या वो सोचेगी भी इस प्रॉब्लम के बारे में किसी और के साथ शेयर करना? क्या वो अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से या अपने भाई के साथ ये प्रॉब्लम्स को शेयर भी कर पाएगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इस टॉपिक को एक इतना बड़ा टैबू बना के रखा है कि बात करना तो छोड़ दो। कई लड़कियों को खुद ही इस विषय पर पूरी जानकारी नहीं है और इसीलिए कम्युनिकेट करना तो दूर, वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें ही कुछ तो गलती है और वो घुट घुट कर ऐसे ही अंदर तड़पते रहते हैं। और नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। ये टॉपिक इतना बड़ा टैबू है कि 27 मार्च को मुंबई में एक 14 साल की बच्ची को पहली बार जब पीरियड्स आए और वो ब्लीड करने लगी, तब वो इतनी डर गई कि उसने आत्महत्या कर ली, सुइसाइड कर लिया। लेकिन उसने किसी से भी एक भी बार नहीं पूछा इस कंडीशन के बारे में। और क्यों? वेल, शर्म के मारे। और हाँ, ये केस सो कॉल्ड मॉडर्न मुंबई का है। मुंबई में एक और एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई अभी 2023 में ही, जहां पर एक 30 साल के भाई ने अपनी 12 साल की बहन का मर्डर कर दिया क्योंकि उसे खून देखकर ऐसा लगा कि उसकी बहन का अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर हमारे समाज में कितनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, कितनी ज्यादा अज्ञानता है, कितने सारे अंधविश्वास है। तो वो केस एक अपवित्र वाला माना जा रहा है। उसके हाथ से पानी भी पीना पसंद नहीं करते हैं, वो नहाने धोने से भी वो शुद्ध नहीं होगी। पीरियड्स को एक गुप्त रोग, गंदगी की निशानी, पनौती, अपवित्रता, काला जादू, इलीगल अफेयर, पता नहीं कितने ही नजरियों से देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो, आज भी हमारे देश की स्थिति यह है कि 71% लड़कियों को पीरियड्स आने के बाद ही ये पता चलता है कि पीरियड्स क्या है, उससे पहले उनको जीरो नॉलेज होता है इस बारे में। हमारी के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं। आप पीरियड्स के बारे में नहीं जानते? अब लड़कियों का अगर ये हाल है तो लड़कों का तो छोड़ ही दो। यहाँ पे किसको पता है पीरियड्स क्या होते हैं? ये तो ये घंटे वाले पीरियड्स जो मतलब कॉलेज में चलते हैं। नहीं, 82% लड़कों को पीरियड्स के बारे में कभी बताया ही नहीं जाता। अब ऐसे में पीरियड्स के दौरान, मूड फ्लक्चुएशंस के दौरान लड़के सोशल सपोर्ट ग्रुप का क्या खाक रोल अदा करेंगे? क्या वो लड़कियों को इस दौरान बेहतर समझ पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे और उनका साथ दे पाएंगे? और हमारे पास अच्छा खासा डेटा है कि पीरियड्स के दौरान एक लड़की ज्यादा प्रोन हो जाती है टू डिप्रेशन, टू सुइसाइडल थॉट्स। तो इसके बावजूद आखिर क्यों हम इस टॉपिक पर खुल के बात नहीं करते? हमें लोगों को इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा अवेयर करना चाहिए। बच्चों को स्कूल्स, कॉलेजेस में ही पीरियड्स के बारे में पढ़ाना होगा ताकि ये टॉपिक एक टैबू बनकर ना रहे। लड़कियों को खुद पता होना चाहिए कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस इज लिटरली 50% प्रॉब्लम सॉल्व। लड़कियां अवेयर होनी चाहिए कि अगर उनका मेंटल हेल्थ पहले से ही सही नहीं है और पीरियड्स के वक्त ये कंडीशंस और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं, उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ने लगता है, उन्हें सुइसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी जिंदगी का बस एक टेम्पररी फेज है, एक काले अंधेरे सुरंग के जैसे जिसके अंत में उजाला है। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो वो खुलकर इस पर अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बात कर सकते हैं और एक सोशल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं अपने अराउंड, और उनकी मदद ले सकते हैं जो उन्हें इस फेज से बाहर निकलने में मदद करेंगे बिना जज किए या गलत समझे। और बस यही एग्जैक्टली हमारा मकसद था इस वीडियो के जरिए, ये अवेयरनेस फैलाना कि पीरियड सिर्फ एक सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो प्रोसेस नहीं इंसानियत को सर्वाइव कराया, विकसित करवाया, और आज इसी वजह से इवन हम लड़के एंड ऑफ कोर्स लड़कियां भी इस पृथ्वी पर जन्म ले पाई है। अगर पीरियड्स नहीं होते तो क्वाइट लिटरली आज हम भी यहां पर नहीं होते, और इसीलिए इसका मजाक बनाने की, इसे अपवित्र समझने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा इस पर खुलकर बात करने की जरूरत है ताकि हम सब फीमेल्स के लिए एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर पाए। और इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अवेयरनेस फैलाने के लिए जितना हो सके आप शेयर करो अपने लेवल पर, और इस तरह से हम सभी मेल्स और फीमेल्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले 7 अप्रैल को 1 से 3 पीएम के बीच अनअकैडमी का इस साल का बिगेस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट अनअकैडमी आरंभ 2024 होने वाला है। इनफैक्ट मैं खुद भी पर्सनली ये इवेंट अटेंड करने वाला हूँ। अपने घर में ही बैठकर इस इवेंट को लाइव देख सकते हो अनअकैडमी स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल पर। JEE नीट और IIT एस्पिरेंट्स डोंट मिस इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!